नेक्स्ट क्वेश्चन 2006 का सवाल है क्वेश्चन से इज द स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर इज़ इन द प्लेन ऑफ पेपर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वोल्ट पर मीटर आल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर इज लिमिटेड ओनली टू द लोअर हाफ ऑफ स्क्वायर सरफेस सी फिगर और उसके बाद हमसे पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एस यूनिट एसोसिएटेड विद द सर्फेस विल बी एस यूनिट में हमें बताना है कि आपका फ्लक्स कितना होगा बहुत सिंपल सवाल है यहाँ पर आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए सो so, ये आपकी कोई स्क्वायर सरफेस है और ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है आधे में ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है सो so, इस केस में हम जो फ्लक्स लिखते हैं फ्लक्स जो आपका होता है वो ई डॉट डी ए या उसको ई ए कॉस सीटा भी हम लिखते हैं जो थीटा है दैट इज़ एंगल बिटवीन ई एंड ए तो इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और एरिया वेक्टर आपका या तो आउट ऑफ द प्लेन ऐसे या फिर इनसाइड है और ई e और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री है सो so उसकी वजह से जो आपका फ्लक्स है वो हो जाएगा ई ए कॉस ऑफ नाइन्टी डिग्री हमें पता है कॉस ऑफ नाइन्टी डिग्री ज़ीरो होता है यानी कि अपना फ़्लक्स जीरो हो जाएगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर